समर्थ क्लासेस में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आया है प्रश्न स्क्वायर रूट का, 7 + 2√10 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान है, 7 + 2√10 का वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा कि किस आधार पर बनाते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर दिया तो आप दिक्कत में पड़ जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। तो इसको हम लोग बनाते हैं, फॉर्मूला में तोड़ते हैं, a² + b² + 2ab के फॉर्म में तोड़ते हैं। कैसे? 10 को इस तरह तोड़ना है कि 7 आना चाहिए, यानी कि 5 और 2, देखिए 5 × 2 = 10, 5 और 2 आ रहा है 7, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2। देखिए फॉर्मूला में बैठ गया, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 5 और 2 = 7 भी आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b² तो हम लोग भी लिख देंगे √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को स्क्वायर रूट लिखना है, क्या होगा स्क्वायर रूट इसका, इसका आंसर हो जाएगा √5 + √2। कैसे? स्क्वायर नहीं लिखना है, जैसे 16 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो होता है 4, और 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट लिखते समय स्क्वायर नहीं देना है, 4 देना है। इस तरह स्क्वायर रूट हुआ इसका √5 + √2। चलते हैं अगले प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 8 + 2√15, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बैठा सकते हैं, रूट 15 को तोड़ सकते हैं 5 और 3 में, ठीक है। और जब आप समझ जाइएगा तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा √5 + √3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 + 4√7, 11 + 4√7, इस बार 4 आ गया यहाँ और रहना चाहिए था 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 × √7, देखिए 2 लिख दिए। अब ये 2 रहना चाहिए था अंदर, तो इसको अंदर करेंगे, कैसे अंदर करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 4 का होता है 2, यानी इसको 4 लिख देंगे, 4 × 7। अब तो हम लोगों का प्रश्न ही चेंज हो गया, 4 × 7 = 28। अब 28 को इस तरह से तोड़ना है कि 11 आना चाहिए, तो 7 और 4 से आता है 7 और 4 = 11, 7 × 4 = 28, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, आसानी से आंसर दे सकते हैं √7 + √4। इस तरह के प्रश्न को हम लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हल कर सकते हैं।